हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी, अभी मैं बनाने जा रही थी कलेजी, तवा कलेजी बनाने जा रही हूँ मैं। सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर ली जाए इसकी। तो तवा कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कलेजी जो है वो ले ली है, ठीक है। ये तकरीबन मेरे ख़्याल से 1.5 पाव या आधा किलो के करीब है। और उसके अलावा इसमें जो स्पाइसेस मैं डालूंगी, बहुत इजी तरीके से बनने वाली है, ठीक है। इसके लिए हमने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्चें ले ली हैं, धनिया ले लिया था, उसको थोड़ा सा हमने भून के उसको कूट लिया, ठीक है। ज़ीरा हमने इस तरीके से लेके उसको भूना हल्का सा, और उसको भी कूट लिया, भून लिया, मतलब भून के ना उसको हमने ग्राइंड कर लिया दोनों चीज़ों को, ठीक है। उसके अलावा यहाँ हमने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, और यहाँ हमने लिए हल्दी, ठीक है। बस यही स्पाइसी चीज़ होंगे। इसके अलावा नमक जो है वो मैं एंड में डालूंगी इसके अंदर, और इसके अलावा कोई ऐसा स्पाइस इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको बनाने के लिए ये देख सकते हैं आप कि तवे पे मैंने जो है ना वो ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब मैं बाकी का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, और फिर आगे जाके वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कलेजी जो है वो ऑयल के अंदर जो है वो डाल दी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से ऑयल में जो है वो थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी, ठीक है। जब इसका कलर पूरा चेंज हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो पहले ये वाला प्रोसेस डन करते हैं, और उसके बाद फिर मैं अगला प्रोसेस आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो उस वक्त मैं ना इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना जो है वो मैं भूल गई थी। तो इस पॉइंट पे इसका कलर भी चेंज हो रहा है, और साथ साथ जो है वो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी जो है वो ऐड कर दूँगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 2 चम्मच ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको साथ में अच्छी तरीके से भूनूंगी, ताकि जो अदरक लहसुन की जो कचाइन होती है वो इसमें से निकल जाए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, और इस प्रोसेस के बाद फिर हम सारे स्पाइसेस डालते हैं इसके अंदर। ओके व्यूअर्स, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमने जो है वो कलेजी को अच्छी तरीके से जो है वो अदरक लहसुन के अंदर हमने भून दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर जो है वो जो भी मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे, ये वाले सारे स्पाइसेस, ये सारे स्पाइसेस हम इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए। अब मैं इसको मिलाऊंगी अच्छी तरीके से, एंड बस एंड में नमक डालना है इसमें हमने, और फिर इसको हल्की आंच पे हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। और फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस यही है आज का व्लॉग, और बहुत ही इजी सी रेसिपी आज के व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आ गया हमारा फाइनल लुक। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।